Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing integration and this is lecture number 2. I hope you have already watched part 1 before watching this part 2. The basic concept we have discussed already about the integration, and now we are going to discuss formally indefinite integration. So let us start with indefinite integration. What is indefinite integration and what are its uses? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात किया था कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, एरिया तो होता है लेकिन इनडेफिनिट होता है। अब यहाँ पे एक और बात हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन करने के पहले, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बेसिकली हम चार टाइप के बात करेंगे। एक करेंगे पहले बात हम मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी तरह की बात होगी वो होगी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। और तीसरी जो बात होगी वो होगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और चौथी जो बात होगी, इसका स्पीक हालांकि वो बात तीसरी ही है, वो कोई चौथी बात तो नहीं है, लेकिन उसको हम एक अलग कैटेगरी देते हैं नाम, और उसको हम कहेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसकी बात करेंगे। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम बेसिकली ये तीन चार बातें करने वाले हैं, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं कि क्वेश्चन को, जो हमारा इंटीग्रेंड होता है, जो फंक्शन होता है, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, अलग फॉर्म में लिख देते हैं, फिर वो इंटीग्रेट हो जाता है। तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले हमें जो है कुछ फॉर्मूले की जानकारी होनी चाहिए। जो बेसिक फॉर्मूला है, पिछले दिन हमने कहा था कि ऐसे फंक्शन जिसका एरिया ऑलरेडी डेरिवेटिव जो है, उसका एरिया का डेरिवेटिव होता है फंक्शन, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और यहाँ हम कुछ ऐसे फंक्शन की तलाश में हैं जिसकी चर्चा कर रहे हैं हम, और कुछ स्टैंडर्ड जो ऑलरेडी मैथमेटिशियन ने निकाल रखा है उसका हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। तो उस फॉर्मूले को याद करें पहले। तो कुछ फॉर्मूला, जैसे कि हमने कहा था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, पिछली क्लास में बात किया था, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। सो हम इसी बात को आज देखते हैं, पहले समझते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इज नथिंग एल्स बट एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, राइट, इट इज नथिंग एल्स बट एंटी डेरिवेटिव। तो आज हम सबसे पहले कुछ बात करते हैं कि फॉर्मूला में एंटी डेरिवेटिव कैसे होता है। तो वन बाई वन करके हम कुछ फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन होता है। यानी हम जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो पावर जो होता है, ये पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और फिर फंक्शन का पावर एक रिड्यूस हो जाता है, ये होता है। यानी रिडक्शन जो है वो डिफरेंशिएशन का नेचर है, इंटीग्रेशन उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन में हमारा प्रोसेस क्या है, एक्युमुलेट करने का, यानी पावर जो होगा वो एक इंक्रीज कर जाएगा, और चूंकि यहाँ पावर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे पावर से क्या करेंगे, डिवाइड प्लस सी, ये फॉर्मूला लागू है। लेकिन ये फॉर्मूला एन इज इक्वल टू माइनस वन पर लागू नहीं होगा, दिस इज एप्लीकेबल बट एन कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। वाई एन कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, वाई बिकॉज की माइनस वन प्लस वन मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो, एंड समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो विल नॉट डिफाइन, इसलिए ये जो है इसके लिए लागू नहीं होगा, बाकी सबके लिए लागू होगा। तो इसके लिए अगर लागू नहीं होगा तो क्या होगा,
तो ये हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में. दीज आर सम इंपॉर्टेंट एंटी डेरिवेटिव्स जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट एंटी डेरिवेटिव की बात करें. एक फॉर्मूला हो गया. दूसरा इसी तरह से अगर हम कहें कि डी वाई डी एक्स ऑफ ये देखिए डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज ई टू दी पावर एक्स सो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डी एक्स इज ई टू दी पावर एक्स प्लस सी डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज वन बाई एक्स सो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स इज लॉग एक्स. यानी इस फॉर्मूला में अगर एक माइनस वन होगा तो एन माइनस वन होने से क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस वन. एक्स टू दी पावर माइनस वन का मतलब क्या वन बाई एक्स और वन बाई जब एक्स होगा तो इंटीग्रेशन उसका लॉग एक्स होगा. इसमें बेस ई अंडरस्टूड है राइट ना. तो ये लॉग एक्स होगा. इसी तरह से डी वाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टू दी पावर वेरिएबल होता था तो क्या करते थे ए टू दी पावर एक्स लॉग एक्स ए टू दी पावर एक्स लॉग ए लिखते थे. अब यहां पर क्या होगा यहाँ पे जो होगा वो ए टू दी पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करें तो ए टू दी पावर एक्स यहाँ लॉग ए से मल्टीप्लाई होता था यहाँ लॉग ए से डिवाइड होगा ऐसा होगा. तो ये जो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ई टू दी पावर एक्स का ये आपको याद रखना है और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है ये भी एक अलग इंपॉर्टेंस का है इसको भी याद रखें. इसको अगर हम ऐसे याद रखें कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है यानी ऊपर में क्या है एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स और नीचे है एक्स नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है तो उसे लॉग ऑफ नीचे वाला भी लिख सकते हैं. ये हम आगे अभी करेंगे कि नीचे वाले का अगर ऊपर डेरिवेटिव हो तो लॉग ऑफ नीचे वाला लिख सकते हैं. इसके अलावा ऐसा नहीं कि इतना ही फॉर्मूला था. फॉर्मूले तो हमने और भी सीखे थे. क्या क्या सीखे थे कि डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता था कॉस एक्स और डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता था ये होता था माइनस साइन एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स क्या होता था सेक स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता था जी कॉट एक्स होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स राइट डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता था sec x tan x sec x tan x and dy dx of cosec x क्या होता था ये होता था minus cosec x cot x. यानी जिसमें जो cos शुरू होता है उसमें क्या होता है cos शुरू होने पे उसमें वो negative होता है. तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि एंटी डेरिवेटिव में कैसे काम करता है एंटी डेरिवेटिव में ये क्या होगा और किस तरह का होगा. तो एंटी डेरिवेटिव में जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है तो उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स का अगर करें तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का करेंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ चूंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी होना चाहिए डी वाई डी एक्स ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इसका क्या होना चाहिए कॉट एक्स होना चाहिए प्लस सी चूंकि माइनस इधर ना लाइक के इधर लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स प्लस सी होगा डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या होगा तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होगा. इसका अर्थ है याद रखने के लिए आप ऐसे इसको एनालाइज कर सकते हैं कि जो को से शुरू होगा को से वो सारे डेरिवेटिव में क्या होते थे माइनस ध्यान से देखिए माइनस होते थे सब के सब क्या होते थे माइनस अर्थात जो को से शुरू हो उसकी वैल्यू निगेटिव में होती थी. को से शुरू हो को से कॉस निगेटिव को से कॉट निगेटिव को से कोसेक निगेटिव और यहाँ पे भी अगर आपका ये देखिए उसी के अनुसार आप देखेंगे कि जब आंसर को में आए तो यहाँ पर निगेटिव होगा अर्थात जब आंसर को में आए ये देखिए को कॉट कोसेक राइट तो आंसर इसमें क्या होगा निगेटिव में होगा. उसका उल्टा प्रोसेस है को शुरू में हो तो निगेटिव होगा यहाँ को आखिरी में हो तो निगेटिव होगा एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है. और इंटीग्रेशन करने के लिए सीखने के लिए
इनका याद रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिक फॉर्मूला हम बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आप कर रहे हैं और ये साइन एक्स का कॉस एक्स टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ टैन एक्स साइन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया, लेकिन टैन एक्स का इंटीग्रेशन अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे? तो उसका हम सिचुएशन से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम चाहेंगे कि आप उसको भी याद रखें, वो सब इंटीग्रेशन भी याद रखें ताकि आप डायरेक्ट लिख सके। तो चलिए उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रेशन और कर लेते हैं। और वो क्या है कि आपको पहले ये समझना होगा कि dy dx ऑफ क्या था साइन इनवर्स x क्या होता था, डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, dy dx ऑफ cos इनवर्स x ये क्या होता था, cos इनवर्स x करने पे ये होता था माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, dy dx ऑफ tan इनवर्स x ये क्या होता था 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, dy dx ऑफ cot इनवर्स x ये क्या होता था माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, dy dx ऑफ sec इनवर्स x क्या होता था, ये होता था 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, एंड dy dx ऑफ cosec इनवर्स x होता था तब क्या होता था, तब भी यही बात होती थी, सिर्फ माइनस साइन एक्स्ट्रा आता था। अब इंटीग्रेशन जब करना होगा तो क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो चूंकि रिवर्स प्रोसेस है तो इसलिए ऐसा होगा कि यहाँ पे आप साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स दोनों के बदले इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर डीएक्स हो तो इसको आप साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसको आप टैन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx हो तो इसको भी आप sec इनवर्स x प्लस c लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इन दोनों इसमें माइनस साइन का ही फर्क है तो आप sin इनवर्स x लिख सकते हैं या माइनस cos इनवर्स x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या इसको माइनस cot इनवर्स x भी लिख सकते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये काम आप बखूबी कर सकते हैं। तो ये भी याद रखने की जरूरत है, अगर आप इतना याद रखेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, और याद रखना मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल काम है क्योंकि डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी आपने ये सारी काम किया हुआ है, ये सब आपको याद होगा ही होगा, तो ये आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने भी डिफरेंशिएशन ढंग से किया है उनको ये बात बिल्कुल तरह से मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है, और जिनको अच्छी तरह से मालूम है उनको फिर मालूम क्या करवाना, उनको तो मालूम ही है। अब जो दूसरा स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिसे हम कहें कि आप याद रख सकते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा, आसान ही नहीं बहुत आसान हो जाएगा, सम मोर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला which need to remember, right? जैसे ये कहूं कि dx upon root x है तो इसको 2 root x याद रखें plus c, integration of 1 by x square है, simple वही formula ही है, ये कुछ अलग नहीं है, 1 by x square इसको minus 1 by x plus c याद रखें तो ये भी ठीक है, right? integration of tan x dx is equal to log sec x plus c, integration of cot x dx is equal to log sin x plus c, integration of sec x dx is equal to log sec x plus tan x plus c mod के अंदर plus c, integration of cosec x dx is equal to ये होगा log cosec x minus cot x plus c, हम बाद में इस सब की प्रूफ भी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिलहाल आपसे ये गुजारिश है कि आप इसे याद रखें, याद रखेंगे अच्छा रहेगा, और नहीं याद रखेंगे
तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आपको थोड़ा टाइम किल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हर एक बार बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बार बार आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अगर याद रहेगा तो बड़े ही आसानी से, बड़े ही प्यार से आप कर सकते हैं। अब ये सब थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि कैसे होता है। जैसे ये रूट एक्स स्क्वायर है, ये कुछ नया नहीं है, ये वही है कि फॉर्मूला हमने सीखा था एक्स टू दी पावर एन का, क्या फॉर्मूला होता था, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अब मान लीजिए किसी का 1/x² है और dx है, तो इस सवाल को करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, x का पावर ऊपर जाके -2 dx। अब इंटीग्रेंट करें तो क्या हो जाएगा, -2 + 1 / -2 + 1 x^-1/-1, यानी -1/x, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं और इस तरीके से इसका आंसर भी हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से कहीं पर भी फंक्शन हो, चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है, दोनों का आंसर इसी तरीके से निकलेगा, -1/x। इसीलिए हमने यहाँ पर इसको लिखा है कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होगा। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ dx होना जरूरी है, अगर dx नहीं है तो ये बात नहीं बनेगी। dx का मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, और कौन से फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन कौन सा है जी, x है, तो x² का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो तो। कुछ और क्वेश्चन करें, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो तो बातें कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब का अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन किया जाता है, और इसी को करने के लिए आपको तरह तरह के मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर फॉर्मूला याद हो तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जिसमें और कोई बात नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं पहले और सीखने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन होता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे xQ dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे कि फॉर्मूला हमने सीखा था कि पावर को 1 बढ़ा देते हैं और उसी पढ़े हुए पावर से डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसका आंसर x^4/4+c हो गया, और ये हो गया इसका आंसर। ये तो अकेला था। अगर इसके साथ, अब दूसरी बात ये है कि ये लिखा है 3x^4 dx, एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, वेरिएबल है, फंक्शन है, ये है फंक्शन। सो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ x^4 dx, सेम फॉर्मूला लगेगा, x^4+1/4+1 होगा, अर्थात 3/5 x^5+c। जैसे ही आप इंटीग्रेशन का साइन हटाएं, सी लिखना ना भूलें, तो ये होता है। यानी किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को बाहर लिया जा सकता है, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, कांस्टेंट टू बी टेकन आउट, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड राइट, इंटीग्रेंड से बाहर लिया जा सकता है, और ये पहले भी हमने किया था, इस तरह से डिफरेंशिएशन में भी करते थे। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसा हो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमने डिफरेंशिएशन करते थे, हम लोग करते थे ना, तो डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या मिलता था, 1 का डिफरेंशिएशन x का डेरिवेटिव 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ x का क्या होगा, x^1+1, यहाँ कुछ नहीं है, पावर 1 है, तो 1+1/1+1, यानी x^2+c, ये c लिखना ना भूलें, c अगर आप लिखना भूल गए तो आपके जो है वो रिजल्ट गलत माना जाएगा, यहाँ पावर 1 है। अब अगर 1 को यानी इंटीग्रेट करना हो
तो वन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर जीरो लिख सकते हैं क्या? यस, वन को हम एक्स टू दी पावर जीरो लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसका इसी फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन प्लस सी, यानी एक्स टू दी पावर वन बाई वन प्लस सी, यानी एक्स प्लस सी। तो वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, ये बात आपको याद रखना चाहिए कि वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। अकेले हो वन तो उसका इंटीग्रेशन होगा एक्स। अब अगर मान लीजिए कि टू है तो टू का इंटीग्रेशन क्या होगा, टू को टू इंटू वन तो लिख ही सकते हैं, है कि नहीं, और ये टू को आपने बाहर ले लिया, वन फिर अंदर बच गया, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, एक्स। सो क्या लिख देंगे, टू एक्स प्लस सी। इसका मतलब है कि अगर थ्री एक्स होता तो इंटीग्रेशन क्या हो जाती, थ्री डी एक्स होता तो ये हो जाता थ्री एक्स प्लस सी, फाइव बाई टू एक्स डी एक्स हो तो क्या हो जाएगा, फाइव बाई टू एक्स प्लस सी। जो भी कॉन्स्टेंट होगा उसमें क्या हो जाएगा, एक्स आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर फंक्शन ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इसका मतलब है कि ये मशीन मिक्सर ग्राइंडर जैसा हमने एग्जाम्पल दिया था कि इंटीग्रल डीएक्स क्या है, एक्स मिक्सर ग्राइंडर है, इसके अंदर फंक्शन रखते हैं तो उसकी शक्ल बदल जाती है, आप ऐसा ही समझे। तो एक्स स्क्वायर और वन यानी दो फंक्शन है और दोनों एक के बाद एक है, जैसे आपको मिक्सर ग्राइंडर में दो चीजें ग्राइंड करनी हो, सपोज करो आपको चिली ग्राइंड करनी हो और फिर उसके बाद टर्मरिक ग्राइंड करनी हो, तो दोनों वन बाई वन करेंगे, दोनों को एक साथ तो करेंगे नहीं, वैसे ही यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा कि पहले हमारा लगेगा ये मिक्सर ग्राइंडर एक्स स्क्वायर पे, फिर लगेगा वन पे, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर एक बढ़ जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, और वन का क्या होगा एक्स, और ये आंसर आ गया। अर्थात अगर एक से ज्यादा फंक्शन हो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, तो हम उसको बारी बारी से सब में इंटीग्रेशन करेंगे और बारी बारी से सब में लगाएंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, x का पावर 4 है, वो बढ़ के कितना होगा, x का पावर 5 बाई 5, x क्यूब बाई 3, एंड 3x है, 3 बाहर रहेगा, x का क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2। ऊपर हमने किया है कि x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x स्क्वायर बाई 2, और 5 का क्या हो जाएगा, 5x प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शन हो तो उनका इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स, और इसका इंटीग्रेशन आपको करने के लिए कह दिया जाए, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आई फॉर इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि अभी तक हमने ऐसी कोई चीज सीखी नहीं जो कि डिवीजन टाइप का हो तो हम उसे कर सके। यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन एक्स एक्स कट गया, एक बच गया वन, और दूसरा हो गया टू बाई एक्स डीएक्स, इसको आप लिख सकते हो एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू बाई एक्स डीएक्स। यहाँ पर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, वन का इंटीग्रेशन एक्स, अब यहाँ टू का टू एक्स नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि टू जो है वो कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लायर है, तो टू बाहर आ जाएगा और ये वन बाई एक्स बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये एक्स, और यहाँ टू, और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन खत्म होगा सी उसके साथ जुड़ जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन में अगर डिवीजन है, अलजेब्रिक फंक्शन है और डिवीजन है, तो आपको उसे पहले सेपरेट करना चाहिए और सेपरेट करने के बाद उसे इंटीग्रेट करना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस नाइन अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ऐसा करना है, तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे, एक्स क्यू बाई रूट एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स प्लस फाइव एक्स बाई रूट एक्स माइनस नाइन बाई रूट एक्स, कैन आई राइट लाइक दिस, यस। सो नाउ रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ,
यानी ये पावर हाफ जाके ऊपर में माइनस हो जाएगा, तो 3 में से हाफ माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, 2 एन हाफ, एंड 2 एन हाफ को क्या कहते हैं, 5/2। यहाँ 2 में से हाफ निकल गया तो 1 एन हाफ, और 1 एन हाफ को क्या कहते हैं, 3/2। यहाँ 1 में से हाफ निकल गया, क्या बच गया, हाफ, और माइनस 9/√x, √x का मतलब हो गया s, ठीक है, dx। तो अब इसको आप चाहें तो आप फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं और फॉर्मूला लगा के इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या होगा, x का पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 5, x का पावर हाफ है, इसमें भी प्लस 1 होगा, नीचे हाफ प्लस 1, माइनस 9, x रूट x है, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2√x, अभी हमने सीखा था कि रूट x का क्या होता है जी, 2√x होता है, तो हम सीधे उसे लिख सकते हैं 2√x, क्यों होता है, ये बात हमने कर ली है कि क्यों होता है, 2√x इसे लिख सकते हैं, प्लस c लिख देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का काम अब खत्म हुआ। तो ऐसा करने से फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ये देखिए, 5/2 प्लस 1 7/2, इसको लिख सकते हैं 2/7, x टू द पावर 7/2 प्लस 2 प्लस बाई 3, 3/2 प्लस 1 5/2, और 5/2 को क्या लिख देंगे, 2/5, 2 एक पहले से है तो क्या हो जाएगा, 4/5, x का पावर 5/2 प्लस यहाँ पे होगा 3/2, और 3/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2/3, तो ये हो जाएगा 10/3, x का पावर 3/2 माइनस 18√x प्लस सी, ये हो गया इस पूरे प्रश्न का उत्तर, जिसको हम अलजेब्रिक फंक्शन में कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आंसर। अर्थात क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो उनको सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक फंक्शन में हम इसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, यानी फंक्शन को के जो फॉर्म है उसको थोड़ा सेग्रीगेट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फिर अभी तक ये इंटीग्रेबल नहीं था, लग नहीं रहा था कि इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास था नहीं, अब क्या हो गया, अब ये फॉर्मूला हो गया, हमने इसको बदल दिया, इसके फॉर्म को बदल दिया, और फॉर्म को बदल दिया तो इंटीग्रेट आसानी से हो गया, यानी इसको हम कहेंगे क्या, ये हमने मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही किया है और कुछ नहीं किया है, हमने फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो जब भी ऐसा डिवीजन का हो और अगर आपको कोई और बुद्धि ना आए तो फंक्शन को सेपरेट कर लेना चाहिए, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट हो जाएगा क्या ये देखना चाहिए, अगर नहीं होता है तो उसके बाद क्या बुद्धि लगाना चाहिए, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे, यानी अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को समझें अच्छी तरह से, कुछ इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें, और जब तक आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं, इसलिए जिस दिन भी आप कोई वीडियो देखो उस दिन कुछ ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करो, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो आपको थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करो, दो दो चार चार क्वेश्चन उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बुक्स में, और जो भी आप बुक्स कर रहे हैं या मटेरियल में, हमारी स्टडी मटेरियल में तो है ही है, और इसमें आप कर सकते हैं, और करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे होनी है, किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, रोज का क्वेश्चन अगर रोज आप थोड़े थोड़े करोगे तो निश्चित रूप से आप समझ पाओगे। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके और टाइप की मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और टाइप की, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जब भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज डू राइट टू अस एट arvindsinghacademy@gmail.com, वी विल श्योरली रिस्पोंड यू इन टाइम लिमिट, एंड वी विल बी हैप्पी, वेरी हैप्पी टू राइट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस।